हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज मैं दिखाऊंगी अपने कैक्टस और ये देखिए इसका साइज कितना अच्छा है, बहुत बड़ा साइज हो गया है। इसके कांटे देखिए, बहुत ही खतरनाक कांटे होते हैं कैक्टस के। थोड़ा सा जब भी आप लोग काम करें कैक्टस के, थोड़ा सा बच के करें क्योंकि इसके कांटे बहुत तेज लग जाते हैं। अपने जो भी मेरे पास वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है दोस्तों। अभी मैंने पानी डाला है, नहलाया है इनको, यही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसके जो ये छोटे छोटे इधर से बेबी कैक्टस जो निकलते हैं, और ये मेरा गन्ने लग गया है तो इसको मैं सुखा के फिर से लगाऊंगी जो अच्छे बचे हैं। और ये देखिए मैंने छोटा सा लगाया था, फिर तो सारे बेबी प्लांट निकल आए हैं, बेबी कैक्टस निकल आए हैं इसमें से। छोटे छोटे बेबी कैक्टस बहुत ज़्यादा निकलते हैं। अगर आप लोगों को इनका साइज़ बड़ा करना है तो आपको ऊपर से सारे बेबी कैक्टस जो छोटे छोटे निकलते हैं उनको हटाते रहना है, फिर ये साइज जो है कैक्टस का, जो मेन कैक्टस होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें देखिए जो भी छोटे छोटे हैं वो भी बड़े हो रहे हैं, और इसी में ये मदर प्लांट तैयार हो गया है अपने आप ही। इसमें तो बहुत ही हजारों की संख्या में बेबी प्लांट निकलते हैं छोटे छोटे। ये देखिए ये सारे इनके बेबी प्लांट हैं, इनको आप ऐसे कहीं पे भी डाल दो ये उग जाते हैं सभी। अगर इसके आसपास जितने भी गमले हैं, ये देखिए छोटे छोटे बहुत सारे बेबी प्लांट हैं इसके, किसी भी गमले में ये गिरते रहते हैं और अपने आप ही उगते रहते हैं, बहुत हो जाते हैं ये दोस्तों। मेरे तो बहुत सारे जो इसके आसपास गमले रखे हैं सभी में एक उगे हुए हैं। इनको आप लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस आप ऐसे ही गिरते रहते हैं और ये उगते रहते हैं दोस्तों। तो ये मेरे पास कुछ वैरायटी है कैक्टस की, देखिए मुझे नाम नहीं पता है, बस मुझे अच्छे लगते हैं मैं ले आती हूँ दोस्तों। और ये भी उसी में का है, ये दूसरा है। और ये देखिए इसके भी मैंने बहुत सारे जो छोटे छोटे बेबी इसके कैक्टस थे सारे हटा दिए हैं एक साइड के, बचे हैं ये कुछ लगाने के लिए। तो जब सारे हट गए हैं तो जो बचे हुए हैं फिर उनका साइज भी बड़ा होने लग जाता है। और ये दूसरी वैरायटी, इसका भी मैंने लगाया है एक छोटा सा, छोटे से गमले में, अभी मैं दिखाऊंगी। इन सभी के मैंने एक एक सिंगल सिंगल लगाया हुआ है बड़ा करने के लिए। देखने में दोस्तों बहुत अच्छे लगते हैं, और इनके जो फ्लावर आते हैं बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है इसमें, बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है। और ये देखिए टर्टरमाइन हर जगह सब गमलों में थोड़ी बहुत गिरती रहती है, और इसमें तो बहुत ही सुंदर फ्लावर आता है ऑरेंज कलर का। और ये देखिए मैं बता रही थी ना आप लोगों को, ये मदर प्लांट, ये इसमें भी गिर गए। ये मैंने छोटे छोटे लगाए हुए हैं, और जो इनके छोटे छोटे बेबी कैक्टस निकले हुए हैं इन सबको मैं अब हटा दूँगी, इनको क्लीन करूँगी एक दिन, टर्टरमाइन और मदर प्लांट सारे हटा दूँगी, फिर ये अच्छे से चलेंगे। और ये कुछ मेरे दोबारा से रिपोर्ट करने वाले हैं, अच्छे से चल नहीं रहे हैं, पॉट बहुत छोटा है। तो यही कुछ वैरायटी है, उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ओके, बाय बाय बाय।